अप्रत्याशित ठंड में बढ़ोतरी के बीच बिना स्वेटर के विद्यालय आ रहे बच्चों के लिए बहेरी प्रखंड के मध्य विद्यालय पघारी के शिक्षकों ने अपने वेतन से कुछ राशि की कटौती करके बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। इस अवसर पर मानवाधिकार प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी ने शिक्षकों के इस प्रयास की सराहना की तथा सरकार से यह मांग किया कि वह बच्चों को पोशाक एवं छात्रवृत्ति के साथ साथ स्वेटर, जूता, मोजा एवं वस्त्र भी उपलब्ध करवाए, साथ ही सामान शिक्षा की व्यवस्था करे, जिससे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र किसी निजी विद्यालय के छात्र को देखकर हीन भावना से ग्रस्त न हो। इस ठंड को देखते हुए हम विद्यालय परिवार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के तरफ से अपने इन छोटे बच्चों को एक छोटा सा भेंट स्वरूप आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। हम लोगों की अभिलाषा है कि बच्चे पूरी पोशाक में विद्यालय आए और इस ठंड से बच्चों का हिफाजत भी हो, यही सोच करके आज हम लोगों ने स्वेटर वितरण का कार्य। क्या स्वेटर वितरण में कोई सरकारी योजना भी है क्या? जी नहीं, ये पूर्णतः हमारा निजी सहयोग है, हमारे विद्यालय का निजी सहयोग है, इसलिए हम पूरे छात्र और अभिभावक समुदाय से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वितरण पर किसी प्रकार का दबाव उनके द्वारा न बनाया जाए। क्या आप लोग की ऐसी अपेक्षा है कि सरकार के द्वारा स्वेटर और बैग भी दिया जाए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो पोशाक की राशि वितरित करती है वो राशि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। पोशाक में बच्चों के लिए स्वेटर, जूता, मोजा और बच्चों के लिए बैग, ये सभी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर हम इन बच्चों को और शिक्षकों को इस बात के लिए हम सर्वप्रथम आभार व्यक्त करते हुए एक शायर के माध्यम से शुभकामना देना चाहते हैं। बढ़ो चढ़ो उत्थान शिखर पर, मंजिल दूर नहीं है किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। रहते हैं इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपता बनाए रखें, इसलिए हम लोग आपस में मिलकर आपसी अंशदान से इस कार्यक्रम को चलाए हैं। विशेष मैं आगंतुक अतिथि श्री प्रदीप कुमार चौधरी, मानव अधिकार प्रतिष्ठान, जिला परिषद श्री कमलेश मंडल, प्रधानाध्यापक श्री महेश यादव सुसारी का आभार व्यक्त करता हूँ अपने परिवार की ओर। अत्यधिक ठंड को देखते हुए ऐसे बच्चे जो स्वेटर पहन के विद्यालय नहीं आते थे, उनके लिए हम सभी शिक्षकों ने एक राय बनाई कि बच्चों को स्वेटर भी दिया जाए, चूँकि अत्यधिक ठंडी है, और इसलिए हम सभी अपने विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अल्प वेतन के बावजूद भी राशि एकत्रित करके यह कार्यक्रम को आयोजन किया और प्रयास किया कि अधिकतर बच्चे, ऐसे बच्चे जो स्वेटर पहन के विद्यालय नहीं आते हैं, उनको स्वेटर दिया जाए, गर्म कपड़े दिए जाए, इसी प्रकार का कार्यक्रम है। वैसे बिहार सरकार द्वारा पोशाक राशि के लिए पैसे बच्चों के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। मैं शिक्षक संघ की ओर से यह कामना करता हूं कि ये जो कार्यक्रम एक विद्यालय ने किया है वह पूरे बिहार स्तर पे हो। आज उच्च माध्यमिक विद्यालय पघारी के शिक्षकों के द्वारा जो बच्चों को स्वेटर प्रदान किया गया है, इसके लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, और यह एक बहेरी प्रखंड के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करे जो और विद्यालय में भी बच्चों को इस तरह का क्या कहते हैं ड्रेस के लिए जो स्वेटर दिया गया है उस तरह का वितरण हो, ये मैं कामना करता हूँ। क्योंकि सौजन्य से छात्र और छात्राओं को इस सर्द के मौसम में प्रत्येक दिन विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए विद्यालय परिवार के प्रति पघारी के ग्रामीण की हैसियत से सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बच्चों और बच्चों के अभिभावकों से इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, जो आपकी उपस्थिति विद्यालय के भविष्य, उज्जवल भविष्य की नींव होती है, इसीलिए प्रत्येक दिन बच्चे
अगर विद्यालय में आएंगे तो शिक्षकों के सौजन्य से, शिक्षकों के आशीर्वाद से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।